हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं ज़रा निकल रहा हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी नहाया नहीं हूँ, थोड़ी देर में नहाते हैं, बाद में फिर हम तो घूमने जाएंगे। लेकिन अभी मैं जाके पहले ढूंढता हूँ कहीं पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेट शुरू होता है। इनफैक्ट ये हॉस्टल में भी 9:30 को होता है और अभी 2 घंटे बचे हैं, मुझे थोड़ी लगी है भूख। तो चलो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आसपास में, देखते हैं कहाँ पे कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा खाने के लिए। तो गाइस, गोवा के इस पार्ट में मैं पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ पे एकदम पूरे बंगलोज वगैरह हैं, पुराने टाइप के घर वगैरह हैं, वेरी ब्यूटीफुल। सांता क्रूज चैपल, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे है पापी चूलो, पहले मैं यहाँ पे लेने वाला था हॉस्टल। प्लेस लुक्स कूल, काम करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कुछ खुला ही नहीं है क्योंकि गोवा में लेट नाइट पार्टी चलती है, सुबह को शायद से कोई उठता रहेगा इतना जल्दी। काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे, आप देखोगे कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, घने हैं। वही सभी हमने यहाँ पे पेट्रोल भरा, पेट्रोल इज 97.89 पर लीटर। कर्नाटका सा भी 3-3.5 रुपये कम है, तो टॉप अप कर दिया हमने। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कहाँ पे मिलेगा। दादा इधर नाश्ता कुठे भेटे? नाश्ता था सीता म्हणून काय म्हणजे साऊथ इंडियन आहे का? सर थँक यू। हमने इनको, ये जो अटेंडेंट है, इनको पूछा है कि ब्रेकफास्ट कहाँ पे मिलेगा। ही सेड सीता। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है ब्रेकफास्ट में देखते हैं। भाई सोने में कहाँ आ चुके हैं, तो मैं खाता हूँ आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है और काफ़ी स्वादिष्ट था, द टेस्ट वॉज रियली गुड। दिस इज द प्लेस सीता प्योर वेज रेस्टोरेंट। ये जो पेट्रोल पंप है भारत गैस का, ये उसी के पास में, ये वैगटोर बीच के रास्ते में ही पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड दिस फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बिकॉज अगर आप जल्दी उठो और कुछ खाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट विच ओपन्स अर्ली। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, देखता हूँ और क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि कल हम आए थे अभी इतने जल्दी में थे पहुँचने के लिए कि आसपास का हमने क्या है शॉप्स वगैरह कुछ देखे नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो आगे थोड़ा चलते हैं, बाद में यू टर्न मार के हम विल गो बैक टू अवर। ओके, यहाँ पे चाय है, आते समय चाय पियेंगे यहाँ पे। हम कल इसी रोड से आए थे अंदर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और जो लेफ्ट वाला जो रोड है वहाँ पे जाके चेक करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जाने के बजाय आसपास में जो फैला हुआ है ना उसको देखते हैं। बिकॉज दिस रोड लीड्स आउटसाइड, दिस विल गो आउटसाइड। हम लोग वैगटोर से दूर जा रहे हैं, हमको वैगटोर के आसपास में क्या मिलता है वो देखना है। मैं आगे से अभी लेफ्ट लूँगा और उस रोड पे क्या क्या है वो देखूँगा। सुबह हमने जो लेफ्ट लिया था इसी रोड पे हूँ मैं अभी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये बहुत खूबसूरत हो गया। आप देखिए रोड तो बहुत अच्छा ही है लेकिन ग्रीनरी काफ़ी हो गई है, मतलब विद इन आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं, देखते हैं क्या है, शायद से ये बीच जाता होगा। देव कोटेश्वर प्रसन्न कुटेश्वर, काफी मस्त अच्छा मंदिर है, वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस देखो हम कहाँ पे आ गए, मैं थोड़ा अंदर गया और तो यहाँ पे
ये पूरा जंगल जैसा है, लेकिन कहीं पे तो बाहर निकलेंगे। एक अंदाज़ा है कि भाई हम फिर से मेन रोड पे ही निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि रोड उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग यहीं से गए थे, अभी हम वहीं से बाहर आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे चाय पीते हैं। वैसे अभी हम चाय पीने हैं और यहाँ पे स्वीट बंस है। स्वीट बंस बेसिकली ये बनाना और आटे का रहता है, अभी कौन सा आटा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है। तो हमने एक चाय और एक स्वीट बंस मंगाया। अब लोकेशन भी देखोगे जहाँ पे हम बैठे हैं, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी बिहाइंड मी। और दिस प्लेस इज़ जस्ट डायगोनली अपोजिट टू द भारत पेट्रोलियम, जो सामने दिख रहा है ये डायगोनली अपोजिट है उसके। तो हमने ये पहले नहीं देखा, हमने पहले सीखा में गया, बट नॉट एन इशू। एक वो भी जगह एक्सप्लोर की, अभी हम ये भी एक्सप्लोर करते हैं। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। भाई स्वीट बंस बहुत टेस्टी है और चाय इसके साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रियली लाइक्ड इट। कल सुबह भी मैं आके यहीं पे ब्रेकफास्ट करूँगा अभी। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और द नेम ऑफ दिस प्लेस इज साई कैफे। दिस इज डायरेक्टली अपोजिट टू द भारत पेट्रोलियम और काफ़ी स्वादिष्ट था बंस। मतलब मुझे थोड़ा हल्का मीठा और आटे के साथ गूंदा हुआ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डन दैट वे, बट बनाना जो फ्लेवर है इसमें दैट आउटस्टैंडिंग। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा हॉस्टल जा रहे हैं, देखते हैं हमारे दोस्त उठे हैं कि नहीं। आई ऑल्सो हैव टू स्टार्ट माई वर्क, या आई एम वर्किंग, ऑफलाइन काम कर रहा हूँ, सॉरी, या आई एम वर्किंग ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। तो मैं लॉगिन सुबह करता हूँ, काम करता हूँ, देन इन द इवनिंग आई स्टार्ट। नाश्ता करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो गाइस हम दूसरी बार सीता रेस्टोरेंट में आ गए हैं। सो गाइस हमारे दोस्तों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, अभी सीधा हॉस्टल जाएंगे। काफ़ी गर्मी हो गई है, कल जब अभी हम आए थे तभी धूप नहीं थी, तो इसीलिए ना थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है क्योंकि आज धूप निकली है। तो अभी सीधा जाते हैं हॉस्टल में और बैठेंगे एसी में, थोड़ा ऑफिस का भी काम करना है। सुबह से अभी हम निकल चुके हैं लंच के लिए, मतलब और हम आए हैं दिस प्लेस इज सन मिलेनियम बार एंड रेस्टोरेंट। सो ये जो हॉस्टल जो चला रहे हैं उन्होंने हमें यहाँ पे लेके आया कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। तो अभी हम देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं हॉस्टल से और आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा हो चुका है। इट्स जस्ट 5 o'clock इन द इवनिंग और बादल आए हमें, तो शायद से बारिश हो सकती है। तो अभी हम जा रहे हैं फोर्ट अग्वारा, विच इज़ 16 kilometers फ्रॉम हियर, और होप सो बारिश ना हो, क्योंकि अभी कैमरा वगैरह है और वी डोंट हैव एनी रेनकोट और वॉट, पूरे भीग जाएंगे। गाइस यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, मतलब दिस इज़ द सेकेंड टेम्पल दैट आई हैव कम अक्रॉस, एंड दिस बहुत बड़े बड़े मंदिर है एंड कलरफुल है। सो गाइस ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बोट्स खड़ी है, ये आपको है ना डॉल्फिन दिखाने के लिए लेके जाती है। अभी तो शाम हो गई है, भीड़ नहीं रहेगी और सीज़न भी नहीं है, बट सीज़न में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है और ये सब लोग इसमें बैठ के डॉल्फिन देखने के लिए जाते हैं। ये मैं पहले भी आया हूँ इसके लिए मुझे मालूम है। आई विल बी वेरी सून अप्रोचिंग फोर्ट अग्वारा, 6 बजे ये बंद होता है, तो होप सो हम वहाँ पे पहुँचे तब तक ये एंट्री हमको मिल जाए।
तो वी हैव रीच्ड ग्वारा फोर्ट, यहाँ पे लेफ्ट में है ये। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्ट अघोरा, आप देख सकते हो दिस इज द एंट्री। ये शाम को 6 बजे बंद होता है एंड दी एंट्री फीस इज 25 रुपीज पर पर्सन, एक बंदे का 25 रुपये लगेगा आपको। और जो पार्किंग है वो है 50 रुपीज फॉर अ टू व्हीलर एंड 100 रुपीज फॉर अ फोर व्हीलर। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, अगर लाइट हो जाता तो अच्छा लगता था। दिस इज द एंट्री ऑफ द फोर्ट, आप देख सकते हो। वैसे ये फोर्ट के पीछे का व्यू है, यहाँ पे समुंदर है। तो गाइस अभी हम फोर्ट अघोरा से निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम कोई बीच जाएंगे, आपको मैं वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। गाइस हम लोग अभी फोर्ट अघोरा से निकल चुके हैं और देखते हैं अभी अगला लोकेशन, किसी बीच पे जाएंगे क्योंकि और कुछ तो है नहीं। एक चापोरा फोर्ट है जो हमारे हॉस्टल के नज़दीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह हम वहाँ पे जाएंगे। तो वैसे पीछे पीछे जो गया लेफ्ट, मतलब हम जब भी उतरते हैं ये पहाड़ से, तो दैट इज अघोरा बीच। इसके आगे अभी शायद से कौंडलम आएगा और कौंडलम के बाद कलंगूट आएगा। मैं आपको बताते रहूँगा जैसे सीक्वेंस में, हम लोग इसी रास्ते पे पढ़ते हैं, जैसे आएंगे मैं बताते रहूँगा आपको। आप देख सकते हो रोड के दोनों तरफ कितनी रौनक है, ये सब रेस्टोरेंट्स है जिन्होंने काफ़ी सारी लाइटिंग लगाई है जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये रोड। और ये रोड पर हमेशा चहल पहल होती है, दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स इन गोवा। और क्योंकि यहाँ पर सब हैपनिंग बीचेस है, नॉर्थ के सब बीचेस यहीं पर है एंड द नॉर्थ ऑफ गोवा इज़ नोन एज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन गोवा। सामने आप बोट देख सकते हो, कलंगूट बागा अंजुना वैकेटर मापसा। मतलब ये सब बीचेस वैकेटर तलक सब यहीं पे है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है। सो गोवंस आर डाई हार्ड फैंस फॉर फुटबॉल। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राउंड्स मिलेंगे जहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं।